एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल त्रिशाज वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइज, अभी दिन छिपना जो है हो गया है स्टार्ट, और बस अभी मैंने कारपेट वगैरह धोए थे उतारने के लिए मैं आई हूँ, और सूख गए हैं भाई। और गुड़िया भी मेरी उठ चुकी है, और ये देखे भाई बच्चे खेल रहे हैं। और तो इस टाइम पे मच्छर हो जाते हैं, बस मैं लेती हूँ, साइड में रख लेती हूँ, और सूख गए हैं। ले लिए हैं मैंने, और चलते हैं अंदर। मैंने बिछा दिया है बेडरूम का कारपेट, और अभी ये है बिछा दिए। तो गाइस, तैयारी हो रही है डिनर की, और भाई आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू की चटनी, जो कि मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, और मेरी क्या, मेरे बेटे की भी और हस्बैंड की भी, हमारी ऑल टाइम फेवरेट है आलू की चटनी। तो गाइस, मिक्सी की चटनी तो हम अधिकतर खाते रहते हैं, लेकिन क्योंकि मिक्सी में इंस्टेंट चटनी बनती है, बट उसका वो टेस्ट नहीं आता जो टेस्ट आप कुंडी सोटे में बनाते हैं चटनी को, या सिलवट्टे पे बनाते हैं, उसका बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट आता है। तो आज थोड़ा सा मेरे पास टाइम भी था, तो मुझे लगा कि चलो आज मैं कुंडी सोटे में चटनी बनाती हूँ, और काफ़ी दिन हो गए थे बनाए। तो गाइस, ये देखिए, ये मैंने ले लिया है कुंडी सोटा, और इसको मैंने अच्छे से कर लिया है मैंने वॉश, और इसको मैंने अभी नीचे फर्श पर ही रखा है, क्योंकि सेल्फ पे मैं इसको नहीं बना सकती। और ये देखिए, मैंने अभी आपको सारे इंग्रेडिएंट्स दिखा दिए हैं। मैंने इसमें डाला है लहसुन की कलियाँ डाली हैं, और रेड चिली, मैंने मोटे वाली जो लाल मिर्च होती है मैंने उसको पानी में डिप करके रख दिया था, इससे वे थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाती है, और हल्का सा उनका तीखापन कम हो जाता है। जीरा भी डाला है मैंने इसमें, नमक भी डाला है, आप अपने अकॉर्डिंग जो इसमें अदरक वगैरह भी डाल सकते हैं, ग्रीन चिली डाल सकते हैं। अगर आप रेड चिली नहीं खाते तो आप ग्रीन चिली का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ग्रीन चिली का टेस्ट अलग होता है और रेड चिली का टेस्ट अलग होता है। तो ये मोटे वाली जो लाल मिर्च होती है, सूखी जो लाल मिर्च होती है, मैंने वो डाली है। तो प्रॉपर जो राजस्थानी जो चटनी होती है ना, इसका वही फ्लेवर आने वाला है। इसको मैंने अच्छे से रगड़ लिया है भाई कुंडी सोटे में, ये देखिए अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है, और ये आपकी मोटी नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो फिर उसका वो अच्छे से आलू में मैश नहीं होगा। तो इसको अच्छे से आपको रगड़ना है बिल्कुल, और ये देखिए, और आ रहा है ना गाइज मुँह में पानी। तो मुझे पक्का पता है कि आप लोगों के मुंह में भी भाई ज़रूर पानी आ रहा है इस चटनी को देख के। और अभी ये रेडी हो जाएगी 2 से 3 मिनट में यमी यमी आलू की चटनी, तो आप भी भाई ज़रूर ट्राई करें। और अभी मैं इसमें डालूंगी टमाटर, टमाटर को आप अवॉइड भी कर सकते हैं, आप इसमें टमाटर की जगह लस्सी या दही भी मिला सकते हैं, लेकिन मैं इसमें मिलाऊँगी टमाटर। और ये मैंने आलू बॉईल किए थे बेटे के सैंडविच के लिए, तो उसमें से मैंने एक दो आलू मैंने एक्स्ट्रा कर लिया था। तो ये मैंने लिया है टमाटर, इसको मैंने अच्छे से कर लिया है वॉश, और इसको मैंने यहाँ पर ये देखिए कद्दूकस कर लिया है हल्का सा, क्योंकि अगर मैं इसमें करूँगी तो इसके छिलके अलग अलग से हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने कद्दूकस कर लिया है। और अब मैं इनको अच्छे से कर दूँगी मिक्स, और इसमें मैंने कोई भी मसाला नहीं डाला है। और एक कई बार ये चटनी जब हम खाते हैं ना, तो ये सब्जी को भी फेल कर देती है भाई। तो आप भी अगर ये नहीं खाते हैं, या आपने कभी नहीं बनाई है, नहीं खाई है आलू की चटनी, तो ज़रूर ट्राई करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे कि मेरी ये रेसिपी देख के अगर आपने बनाई है तो आपकी कैसी बनी है, और आपको अच्छी लगी या नहीं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मुझे तो बड़ी टेस्टी लग रही है, और दिखने में भी यम्मी लग रही है। आई होप आप लोगों का भी मन कर रहा होगा ये चटनी खाने का, तो आप भी ट्राई ज़रूर करें।
तो गाइज़ ये देखिए हो गई है चटनी रेडी, और अभी मैं इसको बाउल में मैं इसको कर लेती हूँ शिफ्ट। ऐशु क्या कर रहे हो आप? ये क्या कर रहे हो? आपकी वीडियो बन रही है? नो 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 नो, चलो हाय बोलो फ्रेंड्स को। हेलो, हाय बोलो पहले, हाय बोलो, हाय बोलो। गाइस यहाँ चल रही है हमारी मस्ती, और मैं थोड़ी सी देर के लिए भी अगर मैं लेटती हूँ या बैठती हूँ ना, तो गुड़िया मुझे परेशान कर देती है। और यहाँ देखिए भाई, मेरी गुड़िया लगी हुई है, मैं उधर खाना बनाने में लगी हुई थी और यहाँ मैंने कैमरा लगा रखा था, और इधर ये देखिए कैमरे में कैप्चर हो गई है इसकी। और ये देखिए झाड़ू लगाई है इसने, कुछ अभी खाया था बाउल में तो वो इसका थोड़ा सा गिर गया था, चिप्स वगैरह खा रही थी, तो अपने आप मेरे को कह रही कि मम्मा झाड़ू, मैं झाड़ू अपने आप लेके आई और झाड़ू लगा रही है। मम्मा लगाएगी? दो मम्मा को, क्यों आप लगाओगे? लाओ दो, मम्मा लगाएगी झाड़ू। क्या गिराया गुड्डू ने अभी? गुड्डू ने क्या गिराया अभी? नो। तो इधर हो गई है भाई रोटी भी रेडी, और बस अभी गर्मा गर्म रोटी, और ये जाएगी अभी प्लेट में। और अब इस पे जाएगा ढेर सारा घी, क्योंकि जब आप कोई भी चटनी खाएं, और ख़ासकर जो आलू की जो चटनी होती है ना, उस चटनी में घी का अलग ही मज़ा होता है। और आप भी ट्राई करें ज़रूर, और आपको भी अच्छी लगेगी। और ये देखिए, जब तक आप चपाती पे घी नहीं लगाएंगे, और बिना घी के चटनी के साथ रोटी अच्छी नहीं लगती भाई। तो ये देखिए मैंने लगा दिया है ढेर सारा घी, और मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है बस फटाफट से, और मैं वीडियो शूट करते ही खाने वाली हूँ बस। और ये गई यमी यमी टेस्टी चटनी। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाली वीडियोस आप लोगों के लिए होने वाली है स्पेशल। और सीरियसली गाइज, अगर आपको मेरी वीडियोस दिल से अच्छी लग रही हैं, तो मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तभी मैं आपके लिए आगे एफर्ट्स कर पाऊँगी। रेडी हो गई है चपाती। क्या करे गुड्डू? क्या कर रहे हो आप? क्या करे गुड्डू आप? क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? फ्रेंड्स को हेलो बोलो, बोलो हेलो, थैंकिश करो, थैंकिश करो। बोलो कुछ। ये क्या आपकी माई है? आपकी फेवरेट है आपकी माई? आई लव यू। बोलो फ्रेंड्स को, थैंक यू करो। नाची नाची करके दिखाओ। पैसे बचाने का इतना शौक है तो नेट मैच भी जाओ, मैच सेविंग्स और डिस्काउंट्स। ये गई हो गई गुड्डू गुडांची। गांची हो गई। यस। अभी आपने क्या खाया है दीदी से बताओ? आइसक्रीम। क्या खाई है? आइसक्रीम। आइसक्रीम खाई है? कैसी लगी आइसक्रीम? यम्मी। यम्मी कौन लेके आया आइसक्रीम आपके लिए? ऋषि मम्मी। मम्मा? अच्छा जी, हैप्पी हो आप? हैप्पी हो? कितने आप पियो? दो। कितने पियो? कितने कितने?